हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर जस्ट अगेन स्टार्टिंग द केमिकल काइनेटिक्स एंड इन दिस चैप्टर दैट इज अ फोर्थ पार्ट एंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। जब हम ये चैप्टर शुरू करेंगे और इसके अंदर जो चीज़ों की बात करेंगे वो सब कुछ किस पर डिपेंड है? रिएक्टेंट्स पर डिपेंड कर रहा है। किस पे कर रहा है? रिएक्टेंट। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि रिएक्टेंट होता क्या है और रिएक्टेंट के कंस्टिट्यूएंट मिलके प्रोडक्ट पे किस तरीके से असर करते हैं। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रिएक्टेंट होता क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं। व्हाट इज रिएक्टेंट? रिएक्टेंट एक्चुअली क्या होता है? कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब दो अलग अलग पार्टिकल मिलके क्या बनाते हैं? एक मतलब दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल क्रिएट करेंगे और मॉलिक्यूल से बनेगा हमारा कंपाउंड। अंडरस्टैंड? तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वर्ड क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। हम एक चीज और बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है प्योर फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस अवेलेबल रहना, प्योर फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन। जैसे मैं सपोज करो कि वी आर जस्ट हैविंग आपके डेली यूज की चीज का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास मिल्क है, मिल्क एकदम प्योर है, एकदम उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं है, तो उस मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सेम एज इट इज अगर हम केमिकल फॉर्म में बात करें, H2SO4 दैट्स कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एकदम प्योर फॉर्म में, उसमें एक भी पानी की बूंद नहीं है, तो दैट इज इन द मोर कॉन्सेंट्रेशन। उसमें नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बहुत सारे प्रेजेंट है। तो जब तक रिएक्टेंट के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। बट हम जब जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, जीरो से हम समझ ही रहे हैं कि जीरो यानी जीरो न्यूट्रल, इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रल। अंडरस्टैंड? तो हम जब बात करेंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, किसकी? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये रिएक्शन होगी तो परफॉर्म, बट इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का कुछ पार्टिसिपेशन नहीं होगा। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के पार्टिकल्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। रिएक्शन जिस स्पीड से हो रही है उसी स्पीड से वो परफॉर्म होगी, भले ही हम कितनी भी ज्यादा उसकी क्या बढ़ा लें, कॉन्सेंट्रेशन किसकी बढ़ा लें? रिएक्टेंट की। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंडरस्टैंड? अब हम देखते हैं इक्वेशन, हम जैसे क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पे रिएक्टेंट किया है ए प्लस बी बी और बी बोथ आर रिएक्टेंट। ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। और इन रिएक्टेंट्स क्या बना हमारे पास में? प्रोडक्ट बना। जैसे मैंने ये प्रोडक्ट बनाया सी सी प्लस डी डी, ये क्या बन गया? प्रोडक्ट। तो जो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम परफॉर्म करेंगे दैट इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जो खुद पर निर्भर है, इट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कितनी बढ़ा लो उसे कॉन्सेंट्रेशन, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। सर अगर चेंजेस नहीं आएंगे तो रिएक्शन कैसे परफॉर्म होगी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें एक्सलरेट नहीं करेंगे तो कैसे रिएक्शन परफॉर्म होगी? सर कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ानी पड़ेगी। पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ कितनी भी, फर्क नहीं पड़ेगा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर। उसके अंदर फिर हम ऐड करेंगे कैटलिस्ट। क्या ऐड करेंगे? कैटलिस्ट। या तो हम प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज करेंगे। सपोज करो मैंने प्लैटिनम यूज किया और यहाँ पे मैंने टेम्परेचर दे दिया 1130 केल्विन। आप पिछली क्लास के अंदर देख सकते हैं कि अगर हमने कैटलिस्ट और टेम्परेचर बढ़ाया है तो रिएक्शन एक्सेलरेट होगी। रिएक्शन क्या होगी? एक्सेलरेट होगी। रिएक्शन के अंदर काइनेटिक्स आएगी, रिएक्शन के अंदर मोशन होगा।
जब जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात होगी तो इसके अंदर जो रिएक्शन को आगे बढ़ाने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, वो कौन रहेंगे? प्लेटिनम एंड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर विद कैटलिस्ट। अंडरस्टैंड? अब हमने एक रिएक्शन देखी ए ए प्लस बी बी और सी सी। अभी हम लोग बात करने वाले हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। यहाँ तक आपको बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। शैल वी स्टार्ट? हाँ ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं जो हमें एग्जाम में परफॉर्म करना है। तो दैट इज द, ये जो टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्टूडेंट्स हु आर रियली प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे मस्ट फॉलो इट। तो हम सबसे पहले इसके बारे में, वी हैव लर्न दैट फ्रॉम अ जनरल रिएक्शन, हम एक जनरल रिएक्शन लिखेंगे जिसमें लिखूंगा यहाँ पे ए ए प्लस बी बी, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा सी सी एंड डी डी। सर आपने एक बड़ा ए लिखा हुआ है, एक छोटा ए लिखा है, आपने दो दो ए क्यों लिखे हुए हैं? मैंने छोटा ए बड़ा ए इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है इसके अंदर। ए है ना जो कि टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मैंने हाइड्रोजन लिया तो टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर, ये बताता है। अंडरस्टैंड? इसके बाद में ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं बाय सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन से। किससे? बाय सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड लिटिल बिट वी हैव टू गो थ्रू इट। हमें इसके जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास है आप वो अटेंड करके, ऑनलाइन मिल जाएगी आपको। अटेंड करने के बाद आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपको जो रेट इक्वेशन से बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अंडरस्टैंड? तो अभी जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है जीरो ऑर्डर की, किसकी हो रही है? जीरो ऑर्डर की परफॉर्म करेंगे, किसकी? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग देखेंगे इसके अंदर जो जनरल इक्वेशन द रेट में भी एक्सप्रेस है, रेट किस रेट से इक्वेशन हो रही है, रेट मे बी एक्सप्रेस्ड एज। रेट को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? दैट्स रेट इज इक्वल टू के ए क्यू और बी पी। ये क्या हो गया सर? कुछ नहीं हुआ है, ये जनरली था, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा तो इट जस्ट बिकम के के ए क्यू और बी पी, ठीक है। अब सर की और पी क्या है यहाँ पे? की और पी यहाँ पर है कॉन्सेंट्रेशन या रेट, रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज करो कि यहाँ पे क्यू एन इज इक्वल्स टू क्यू प्लस पी करूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा? क्यू की वैल्यू वन रख दूँ और पी की वैल्यू भी क्या रख दूँ? वन रख दूँ, तो कितना हो जाएगा? वन प्लस वन टू, मतलब रेट क्या हो गया इसका? टू। अंडरस्टैंड? तो सेकेंड ऑर्डर शो कर रहा है ये एन, लेकिन इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इनकी पावर अगर जीरो रही, इनकी पावर अगर जीरो रही तो दैट्स कॉल्ड जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम यही प्रूफ करने वाले कि इसकी पावर जीरो कैसे होगी, इसकी पावर जीरो कैसे होगी, वी आर जस्ट गोइंग टू प्रूव इट। अंडरस्टैंड? तो इतनी चीज आपको अभी तक यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। अब हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन परफॉर्म करने वाले हैं यहाँ पर। इसके आगे थोड़ा सा छोटा सा एक्सप्रेशन है, आप कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे तो इट विल बी जस्ट क्लियर फॉर यू, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि रेट क्या देख रहे हैं, रेट का मतलब मालूम है, अ काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मिंग ऑफ रिएक्शन, किस रेट से वो परफॉर्म हो रही है, जीरो रेट से हो रही है, फर्स्ट रेट से हो रही है, टू रेट से हो रही है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो रेट इज इक्वल टू हम लोग करेंगे स्मॉल चेंज आर। डिफ्रेंसिएशन एक ऐसी चीज है, हम यहाँ करेंगे डी टी के रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में? डी टी के रिस्पेक्ट में। सर टी क्यों लिखा है आपने? टी हमने इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे क्योंकि टी होता है टाइम। कोई भी प्रोसेस जब हो रही है तो टाइम लेती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक सेकंड निकल गया, मैंने फिर और एक्सप्लेनेशन किया दो सेकंड निकल गया, तो वॉट एवर द रिएक्शन आर परफॉर्मिंग दे आर जस्ट टेकिंग टाइम एंड वी हैव टू टेक विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
रेट के अंदर चेंजेस हो रहा है, कौन सी रेट के अंदर, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। तो डिफ्रेंसिएशन की खासियत होती है उसमें वैल्यू रिड्यूस होती जाती है, वैल्यू क्या होती है रिड्यूस होती जाती है। अगर फोर वैल्यूज का डिफ्रेंसिएशन किया तो थ्री आएगा, और थ्री वैल्यूज का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो टू आएगा, टू वैल्यूज का डिफ्रेंसिएशन वन आएगा, और वन उसकी वैल्यू है तो क्या आएगा जीरो आएगा। तो मैं अभी वन का डिफ्रेंसिएशन करने वाला हूँ तो क्या मिलेगा जीरो। अभी वन है ना सर, वन कैसे है इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब वन है। तो अभी जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा, जीरो मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो रिड्यूस होती जाती है, क्या होती जाती है रिड्यूस होती जाती है। तो इट जस्ट बिकम के आर की पावर जीरो, डिफरेंशिएशन हो गया ना यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया यहाँ पे। तो मुझे क्या मिला यहाँ पे सर, आर की पावर जीरो क्या होता है, हमने बहुत क्लासेस से पढ़ते हैं कि ए की पावर हमेशा क्या देता है, यहाँ पे किसी चीज की पावर है तो जीरो, वन, किसी भी चीज की पावर जीरो है तो वो वन, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी वन होगी। तो इस आर नॉट की जगह पे क्या रख दूंगा मैं वन, तो के इंटू वन। के क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है, के क्या है यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है, इज इट क्लियर। तो हमारे पास में क्या एक वैल्यू आ जाएगी, जब ये रिड्यूस हुई इक्वेशन रिड्यूस हो रही है ना, तो दैट रिडक्शन शोइंग द नेगेटिव साइन, दैट रिडक्शन शोइंग द नेगेटिव साइन, ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन जब परफॉर्म करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या आएगा आपका नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन इसके साथ में रहेगा, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे भी रहेगा। अंडरस्टैंड, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे यहाँ पे डी आर इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी, माइनस के डी टी क्या हो रहा है, माइनस के डी टी कैसे आए, ये डी आर था हमारे पास में और ये क्या डी टी इसके पास चला जाएगा, ये डी टी यहाँ चला गया, तो डी आर इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ मैं ये, डी आर इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी, यहाँ तक क्या है, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस के डी टी। अब हमने छोटी चीज़ ले ली वैल्यू, अब हमें ओवरऑल रिएक्शन की परफॉर्मेंस निकालनी है। और स्मॉल डिफरेंशिएशन लेने के बाद हम क्या करेंगे, पूरे की क्या निकालेंगे, परफॉर्मेंस निकालेंगे। सर ऐसा क्यों करते हैं, हम कोई भी चीज़ जब सपोज आप कोई चीज़ बना रहे हो, जब आप कोई घर में व्यंजन बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो छोटा सा पार्ट टच करके देखते हो कि पूरी की पूरी सब्जी खा जाती है एक बार में। हम सैंपल टेस्ट करते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन द सैंपल, अब पूरे को हम रिएक्ट क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट यानी जोड़ देना, इंटीग्रेट करना यानी जोड़ देना, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, ये मैथमेटिकल पार्ट है इंटीग्रेशन का, थोड़ा सा मैथ की क्लास आप देख लीजिएगा मेरी, देन इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। हमको मालूम है कि कोई भी चीज़ इंटीग्रेट और डिफ्रेंशिएट होती है, तो दे जस्ट कैंसल टू ईच अदर, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्या करते हैं न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा आपके पास में आर, और यहाँ पे कांस्टेंट है जो वो बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा और के बाहर आ जाएगा। अंडर जो इंटीग्रेशन हुआ है डी टी का, किसका डी टी का, डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, तो यह हो जाएगा आपके पास में टी, ठीक है, और आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग जाएगा इसके साथ में आई। ये मैथ्स थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी आपको, इंटीग्रेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट बाहर आ गया, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया टी हो गया, ठीक है, डी टी का क्या हो गया टी हो गया, और आई का आई हमारे पास यहाँ बचा हुआ है, इज इट क्लियर। तो ये वैल्यू हमारे यहाँ पास आर की वैल्यू हो गई माइनस के टी आई, माइनस के टी आई, ये आपको रिमेंबर रखना है। अंडरस्टैंड, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक कोई भी डाउट है आप दोबारा से रिवाइंड करिए उसको और वापस से आइए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे क्या हम क्या करेंगे, ये जो हमने अभी इक्वेशन निकाली है उसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अंडरस्टैंड, ये जो हमें आर की वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे टी टाइम निकल गया, एक सेकेंड निकला और आर मिल गया, लेकिन जब टाइम जीरो होगा, पहले मैं लिख दूँ आई क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, आई इज कॉल्ड
इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आई क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, है ना। हाँ मैंने क्या बोला देखना, ध्यान से समझना बेटा, क्या है कि कोई भी चीज़ जब परफॉर्म हो रही है, मैंने यहाँ पे लिखा आर, आर लिखने के दौरान एक सेकंड लग गया, फिर लिखा मैंने प्लस आर, अब कितने सेकंड लग गए, तो ये एक सेकंड प्लस एक सेकंड इज़ टू दो सेकंड के अंदर ये परफॉर्मेंस हुई है। पर जब मैं यहाँ खड़ा हूँ एकदम सीधा और समय भी रुक गया, तो समय कितना यहाँ पे, टाइम कितना हो गया, ज़ीरो। टाइम कितना हो गया यहाँ पे, ज़ीरो। और रेट आर से क्या हो जाएगा, आर ज़ीरो, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, सब एकदम स्टॉप, दुनिया रुक गई यहाँ पे। तो रेट फॉर टी ज़ीरो है, आर ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, हमने जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ली है दैट्स आर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है आर, बट एट टाइम ज़ीरो दैट इज आर ज़ीरो, बात समझे। तो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इसके अंदर, देखते हैं क्या आएगी। तो एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो तो आर बिकम आर नॉट, एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो तो आर बिकम आर नॉट। जब टी ज़ीरो होगा तो आर कितना हो जाएगा, आर नॉट। उठा के रख दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इज इट क्लियर। अब उठा के रखो, आर की जगह पे क्या रखूंगा, आर नॉट रख दी, चलो ठीक है, आर की जगह पे मैंने रख दिया, ठीक है। और टाइम यहाँ पे ज़ीरो, तो माइनस के इंटू ज़ीरो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में आई, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, आर नॉट आ गई। बड़ा एकदम हुआ था, जूम करके भी देख सकते हो, कोई दिख नहीं रहा है लेकिन बहुत क्लियर तरीके से कहानी जा रही है, आ रही बात समझ में। दो से तीन बार देख लोगे तो आपको प्रैक्टिस भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको क्या मिल गया, आई इज बस टू आर नॉट, अंडरस्टैंड। अब हम क्या कर सकते हैं कि आई इज बस टू आर नॉट वन मिल गया, उठा के कहाँ रख दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा आर, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इज इक्वल्स टू माइनस के टी, और आई की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू के इस साइड के टी बाहर आ जाएगा, के टी बाहर ही तो है, क्या इक्वेशन हो जाएगी, के टी इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर, इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे हम लोग के की, के कांस्टेंट की, तो के इज इक्वल्स टू अपॉन टी, ये हमारा निकला है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या निकला है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब एक्चुअली में हुआ क्या है इसके अंदर, ये प्रोडक्ट रखा हुआ है एकदम, ये प्रोडक्ट है टाइम जीरो पे रखा हुआ है, हल्का सा हाथ बड़ा एक सेकंड हुआ, डिफरेंस आया टाइम के अंदर, चेंजेस आए, जब तक टाइम के अंदर चेंजेस नहीं आएंगे तब तक टी इक्वल्स टू जीरो आर नॉट इक्वल्स टू जीरो, दिस इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जो भी ऑर्डर करना है आपको, सबसे पहले ये परफॉर्म करना पड़ेगा।